डियर स्टूडेंट आज की क्लास में हम पूरी वाइब्रेशन का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं हम इस चीज को दैट इज वर्लिंग मोशन एंड क्रिटिकल स्पीड वर्लिंग मोशन एंड क्रिटिकल स्पीड अगर मैं अब तक जो कहानी हम लोग वाइब्रेशन की चलाते आ रहे हैं यूनिट वन टू थ्री से तो मैं ये कह सकता हूं इस पर्टिकुलर थिंग के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि अब जब हम लोगों ने फोर्स वाइब्रेशन में स्टार्ट किया फोर्स वाइब्रेशन एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट फोर्स के साथ लग रहा एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक फ्रिक्वेंसी के साथ अप्लाई कर रहे हैं अगर कोई रोटरी मशीन है तो रोटरी अनबैलेंसिंग हो रही है जिसमें एक्साइटेशन फोर्स है रेसिप्रोकेटिंग मशीन है तो रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस उसमें एक्साइटेशन फोर्स जनरेट कर रहा है और उसके हिसाब से मैंने उसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो निकाल ली फिर मैंने ट्रांसमिसिबिलिटी निकाल लिया एंड देन फिर मैंने मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी निकाल लिया मेन पर्पज मेरा है दैट वर्लिंग मोशन एंड क्रिटिकल स्पीड ये कब आता है जब भी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो मशीन है जैसे टर्बाइन हो गया कंप्रेसर हो गया इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट शाफ्ट के ऊपर कोई रोटर है पुलिस है इस टाइप के जो भी सिस्टम होंगे उन सिस्टम में मुझे इस एक अलग फिनोमेना देखने को मिलता है जब वो सिस्टम रनिंग कंडीशन में होता है वाइब्रेशन के साथ-साथ एक और मोशन मुझे दिख रहा है उस चीज को भी हमें आज की क्लास में डिस्कस करना और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैनर में काम करता है तो इसको समझने के लिए मुझे बहुत धीरे-धीरे हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना और सबसे इंपॉर्टेंट वर्लिंग मोशन को अगर समझना है तो ये सब चीजें दो से तीन फेनोमेना को एक साथ दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा अगर मैं सिंपल से स्टेज में मैं बोलूं कि जो वर्लिंग मोशन है या वर्लिंग मोशन आप लोगों ने जस्ट इमेजिन सभी हर बच्चा या हम लोगों ने भी अपने बचपन में ये किया है कि एक धागे में मैं कोई रिंग फंसा लेता था और मैं उसको ये कर ऐसा करके जस्ट इमेजिन लाइक दैट यू कर करके कर, कर, ऐसा खींच देता था ये कर 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 करके ऐसा खींच देता था वही चीज हमें यहाँ पर करनी है तो जब मैंने उसको ऐसे रोटेट करके एकदम टाइट किया या टाइट करके रोटेट किया तो मुझे इस टाइप के मोशंस देखने को मिलते थे एकदम रिंग के साथ तो ये हम लोग बचपन में बहुत खेलते थे एंड दिस इज एक्चुअली वर्लिंग मोशन और यही चीज है वर्लिंग मोशन का कि रोटेशन के साथ साथ ये मोशन भी हो रहा है उसमें शाफ्ट के केस में हम लोग देखेंगे कि वर्लिंग मोशन और क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट की हम बात करेंगे एक शाफ्ट पे गियर हो सकता है पुली हो सकता है रोटर हो सकता है तो वर्लिंग मोशन पहले समझेंगे उसके बाद हम उसकी क्रिटिकल स्पीड को समझेंगे ठीक है तो उससे पहले ये डायग्राम समझने की जरूरत है मैं जस्ट इमेजिन की एक मैं हॉरिजोंटल शाफ्ट ले रहा हूं और ये दो बियरिंग्स के बीच में है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट जिसका एक्सिस जस्ट इमेजिन दिस इज द एक्सिस ऑफ बियरिंग्स ये दो बियरिंग है यहां पर आना था इसका एक्सिस ठीक है इस टाइप का और ये ऐसा यहां पर एक रोटर लगा हुआ का एक रोटर तो मुझे इसमें सिर्फ दो से तीन चीजें टर्मिनोलॉजी समझनी है कि ये क्या है आपकी बियरिंग है ये भी क्या है हो गई आपकी बियरिंग हो गई ठीक है ये हो गया बियरिंग सेंटर लाइन अरिंग सेंटर लाइन ठीक है ये इस रोटर का ठीक ये हो गया आपका रोटर या डिस्क ये है आपकी शाफ्ट जो थोड़ी बैंड हो गई है ये हो गई शाफ्ट यहां एक पॉइंट इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे एस और ओ पॉइंट पे दो पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं शाफ्ट रोटेशन में है ठीक है और ये वाला जो एक्सिस है ये वाला इसको मैं बोल रहा हूं बेंट अप शाफ्ट एक्सिस क्या बोल रहा हूं अप शाफ्ट एक्सिस तो हो क्या रहा है कि जस्ट इमेजिन दिस इज अफ्ट दो बियरिंग्स के बीच में है। इमेजिन भी करते चले और ये दोनों फिनोमिना को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों बियरिंग के बीच में मैंने क्या किया शाफ्ट को लगा दिया तो इनिशियली मैं क्या चाहूंगा कि ये जो शाफ्ट का एक्सेस है और जो बियरिंग सेंटर लाइन है वो एक हो जो ये वाली कंडीशन में अगर मैं यहां पर बियरिंग लगाता हूं दोनों उसके बीच में तो जो बियरिंग सेंटर लाइन है और जो शाफ्ट की सेंटर लाइन है वो एक होनी चाहिए ये मेरी असेंबली के लिए इंपॉर्टेंट है तभी मैं बोलूंगा सिस्टम क्या है बैलेंस है है बट क्या हो रहा है? क्योंकि जो वेट ऑफ दैट रोटर और डिस्क है ये एक्चुअली उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाइन नहीं करता ये पॉइंट मैंने बोला ये पॉइंट जरूरी नहीं है सही हो ये पॉइंट है कि जो कोई भी डिस्क या रोटर है उसके सेंटर पे ही लाई करता है उसका मा, क्या मास जो भी मास है ऑन सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी पॉइंट बट फॉर केस क्योंकि मैंने पुरानी क्लासेस में भी पिछली क्लासेस में भी ये बताया था कि नो नथिंग इज लाइक अ परफेक्ट प्रोडक्ट उसका जो सीजी उसके सेंटर पे होना चाहिए था बट वो सेंटर पे नहीं होता है वो उससे थोड़ा इसेंट्रिक होता है ये बाय मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होता ही है कोई भी रोटर का जो सेंटर ग्रेविटी पॉइंट उसके सेंटर पे नहीं होता है कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलती है उसके सेंटर पे और जहां पर एक्चुअली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए था तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर uh, डिस्टेंस इसको सेंट्रिसिटी बोलते अब अगर उसके सेंटर पे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट होगा और जिस तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट है उस तरफ वो एक एडिशनल एमजी हमेशा लगाएगा क्योंकि एमजी इज बैलेंस्ड बाय दैट मैग्नेट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हमने यहाँ पर काउंटर कर लिया बट अगर वहां पर कोई अनबैलेंस फोर्स है उसका सेंटर पॉइंट किसका रोटर का शाफ्ट की सेंटर लाइन और बेयरिंग सेंटर लाइन अगर एक नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई उसमें एक अनबैलेंस जनरेट होगा और जैसे ही ये रोटेट करेगी तो इसमें एक फोर्स काम करेगा जो कि इसको बाहर की तरफ लेकर आता है जिसको बोलते हो बो आउट तो जब शाफ्ट बो आउट हो जाएगी इस टाइप में अब बो आउट का मतलब जो उसकी सेंटर लाइन है अब एक, एक, एक हमेशा एक अनबैलेंस फोर्स उसमें प्रेजेंट रहेगा जो उसके सेंटर लाइन ऑफ बेयरिंग और शाफ्ट की जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट का जो सेंटर लाइन है इन दोनों को अलग कर देगा That is bow out, बो bow आउट कर दिया बाहर कर दिया तो ये प्रैक्टिकल कंडीशन में हमें मिला कि ये जो शाफ्ट का जो पहले सेंटर लाइन थी वो बियरिंग थी और इसका जो सीजी है वो इस पे लाई करना था तब ऐसे सिस्टम को बैलेंस सिस्टम बोलूंगा अच्छे से चलते बट ऐसा हुआ नहीं है शाफ्ट बो आउट हो गई बो आउट हो गई तो ये अब नया एक्सिस हो गया नया एक्सिस क्या हो गया जो ये बेंट अप शाफ्ट एक्सिस बोल रहा हूं अब यानी शाफ्ट क्या हो गई बेंट हो गई तो बैंट ऑफ शाफ्ट और अब ये पूरी असेंबली रोटेशन में है तो ये जब पूरी असेंबली क्या बियरिंग बियरिंग रोटेट कर रही है उसके साथ ये बेंट अप शाफ्ट एक्सिस यानी जो बेंट हुई शाफ्ट है वो रोटेट कर रही है और साथ में उस पर रोटर या डिस्क है वो रोटर जब ये तीनों चीजें एक साथ हो रही हैं ऐसे मोशंस को मैं बोलूंगा वर्लिंग मोशन ऐसे मोशन को मैं बोलूंगा वर्लिंग मोशन ठीक है तो हमें इसको समझने के लिए इस मोशन को समझने के लिए दो फेनोमेना को एक साथ देखना होगा द रोटेशन अबाउट द बियरिंग सेंटर लाइन ऑफ द प्लेन बाय इंक्लोज बायटअ एक्सिस एंड बियरिंग सेंटर लाइन अब जो रोटेशन अबाउट बियरिंग सेंटर लाइन रोटेशन तो बियरिंग सेंटर लाइन के अबाउट ही होगा ना क्योंकि दोनों बियरिंग जब रोटेट कर रही हैं तभी बियरिंग सेंटर लाइन रोटेट कर रही है. बट जो रोटेशन हो रहा है सेंटर लाइन के अबाउट वो रोटेशन अब शाफ्ट की सेंटर लाइन का नहीं होगा नया नाम दिया है स्पिनिंग मोशन ऑफ द रोटर रोटर भी रोटेट कर रहा है साथ में आपकी बियरिंग सेंटर लाइन के अबाउट ये बेंट ऑफ एक्सिस भी रोटेट कर रही तो ऐसे मोशन को मैं बोलता हूं वर्लिंग मोशन ठीक है अब जो वर्लिंग मोशन है वो किसी ना किसी जैसे ये वाला मोशन हम लोगों ने देख ही लिया था जब मैंने देखा था ये वाला मोशन भी हो रहा है साथ ही साथ रोटेशन भी हो रहा है तो इन्हीं सब चीजों को मैं बोल रहा हूँ वर्लिंग मोशन या वर ठीक है ना तो जो क्रिटिकल स्पीड क्या हो गई क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं वाइपिंग स्पीड बोलते हैं वर्लिंग स्पीड बोलते हैं सीब्रेशन ऑफ द शाप तो क्या बोल रहा हूँ ट्रांसफर्स वाइब्रेशन ऑफ द शाफ एट द क्रिटिकल स्पीड द शाफ इज सब्जेक्टेड टू वॉलेंट वाइब्रेशन इन ट्रांसफर्स डायरेक्शन तो ये डेफिनेशन मैंने रीड कर दी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं क्रिटिकल स्पीड वो स्पीड है जब जो ट्रांस आपकी फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ट्रांसफर्स वाइब्रेशन क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये जो रोटेशन हो रहा है इसके कारण वाइब्रेशन क्या हो रहा है इस टाइप के वाइब्रेशन हो रहा है दीज आर द दाइब्रेशन ठीक है अब ये वाइब्रेशन हो रहा है तो परपेंडिकुलर टू द क्योंकि सेंटर लाइन के अबाउट देखना तो सेंटर लाइन के अबाउट टू एंड फ्रॉम मोशन बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो दैट इज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और जब भी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो उस पे आपको रेजोनेंस मिलेंगे तो जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वॉयलेंट टाइप के बो, बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड मिलेगा तो जब ऐसा सिस्टम बेंट अप शाफ्ट एक्सेस उसके बेयरिंग सेंटर लाइन के अबाउट रोटेट करेगी और साथ में आपका ये रोटर भी रोटेट करेगा ऐसे को वर्लिंग बोलते हैं और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ट्रांसफर वाइब्रेशन की इक्वल्स होती है आपकी फ्रीक्वेंसी के तो दैट इज द कंडीशन ऑफ एंड द क्रिटिकल स्पीड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर वाइब्रेशन सो दिस इज थिंग दैट इज रिलेटेड विद द वर्लिंग मोशन एंड द क्रिटिकल शाफ्ट दिस इज एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू बेयरिंग सेंटर लाइन bent of shaft axis and spinning motion of the rotor so this is all about whirling motion and critical speed thank you